हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो फेस्टिव सीजन चल रहे हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या और भी ई कॉमर्स की साइट है तो सारे जगहों पर अलग अलग बैंक के हिसाब से यहां पे ई मे के ट्रांजेक्शन में इंस्टेंट डिस्काउंट्स वगैरह आपको ऑफर्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से यहां क्रेडिट कार्ड का भी यहां दो जबरदस्त ऑफर्स आपको यहां देखने को मिल रहा है। नंबर वन है क्रेडिट कार्ड से आपको जो है कॉन्टैक्टलेस यहां ट्रांजेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है अब 2000 का यहाँ 5% के हिसाब से आपको कैशबैक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको 3 कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देना है तो आप जो है 1000 के कैशबैक के लिए यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा जो ऑफर है EMI का ट्रांजेक्शन यहाँ करना है तो 5% के हिसाब से अप टू 10000 का यहाँ आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि दोनों ही ऑफर्स में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, डिटेल में हम जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप जाके वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी तक IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली वेबसाइट में भी जाके इसको आप अभी फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर ड्यूरेशन की यहाँ बात करेंगे तो ऑफर जो है 10 अक्टूबर से यहाँ स्टार्ट हो चुका है और 10 नवंबर तक चलता रहेगा, यानी कि पूरे फेस्टिव सीजन में ये जो ऑफर है चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन में हमें क्या ऑफर्स हैं। तो यहाँ ऑफर बहुत ही सिंपल है, यानी कि आपको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन यहाँ कर देना है तो आप जो है ये इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 5% के कैशबैक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन यानी कि आपको टैप एंड पे कर देना है, कोई भी आपको यहाँ 4 डिजिट का यहाँ पिन नहीं डालना है। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट कोई भी रखा नहीं गया है, तो आपको जो है जितना भी अमाउंट ज़्यादा करेंगे उसके 5% के हिसाब से आपको जो है अप टू 1000 के यहाँ आपको कैशबैक मिल जाता है। यहाँ पे जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन का लिमिट जो है 5000 तक ही है, यानी कि एक जो ट्रांजेक्शन करेंगे सिर्फ 5000 तक का ही आप जो है बिना पिन के आप यहाँ ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। अगर 5000 से ऊपर का अमाउंट है तो आप यहाँ आपको जो है पिन एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको जैसे आपका बिल जो है 10000 या 15000 का बना है तो तीनों को अलग अलग आप ट्रांजेक्शन कर दीजिए। 5-5 हज़ार के हिसाब से आपको जो है 15000 का अमाउंट को 5-5 हज़ार का आपको कॉन्टैक्टलेस यहाँ ट्रांजेक्शन कर देना है। तो यहाँ अगर आप 3 ट्रांजेक्शन करते हैं अलग अलग 5000 5000 5000 का तो यहाँ आपको जो है 750 का यहाँ कैशबैक आसानी से यहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है 4 ट्रांजेक्शन कम्प्लीट कर देना है तो आप जो है 1000 का यहाँ 5% के हिसाब से आपको कैशबैक यहाँ कम्प्लीट मिल जाता है। और जितना भी आप कैशबैक अर्न करते हैं आपको आफ्टर 60 डेज आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान रहे आपको एक कार्ड से सिर्फ एक ही बार आपको यहाँ ये ऑफर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑफर के बारे में, यानी कि जो EMI का ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको 10000 तक का 5% के हिसाब से आपको यहाँ कैशबैक देखने को मिलता है। बाकी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की ऑफर्स की हम बात करेंगे तो यहाँ आपको इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको कैपिंग रखा जाता है, या तो आपको 2000 मिलेगा, 3000 मिलेगा, 5000, लेकिन यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरफ से यहाँ 10000 का यहाँ आपको कैशबैक मिलेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, यहाँ 10000 का यहाँ आपको जो है कैशबैक देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, क्या क्या हमें कैसे इसमें ट्रांजेक्शन करना है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो नंबर वन की यहाँ बात करेंगे तो आप जो है 3 मंथ्स वाले EMI के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको कम से कम 6 महीने 9 महीने या 12 महीने या 18 महीने का यहाँ आपको जो है EMI का जो टेन्योर है ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, तब जाके इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है आपको 3000 या इससे ऊपर का अमाउंट होना चाहिए, तभी जाके आपको EMI में आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे और इस 5% के कैशबैक वाले के लिए आप यहां एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करें कि रिसेंटली आपका जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूव है, यानी कि 10 अक्टूबर और 10 नवंबर के बीच में अगर आपका कार्ड अप्रूव होता है तो इसमें का पहला जो ट्रांजेक्शन है एक प्रकार से आपका वेलकम ऑफर कहलाएगा, जो कि आपको मिलेगा ही जब भी आप नया कार्ड बनवाते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का। तो आपको जो है फर्स्ट EMI ट्रांजेक्शन विद इन 90 डेज में, यानी कि कार्ड इशू होने के विद इन 90 डेज आप जो है पहला EMI ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो है कार्ड 10 अक्टूबर 10 नवंबर के बीच में आपका कार्ड अप्रूव होता है तो आपको दूसरे ट्रांजेक्शन यानी कि दूसरे EMI वाले ट्रांजेक्शन के लिए आप जो है यहाँ पे 5% के जो ऑनगोइंग अभी ऑफर चल रहा है आपको जो है 10 नवंबर से पहले पहले आपको ट्रांजेक्शन कर देना है दूसरा EMI ट्रांजेक्शन, तब जाके आप ये 10000 वाला जो 5% के हिसाब से आपको कैशबैक मिलता है उसके लिए आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रहे कोई भी आपको EMI का ट्रांजेक्शन में रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन की यहाँ बात करेंगे तो जब भी कोई भी अमाउंट को EMI आप जो है कन्वर्ट कराते हैं तो यहाँ आप जो है 1% का प्रोसेसिंग फी भी आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ या तो फिर आपको यहाँ मिनिमम ₹99 यहाँ चार्जेस आपको लगेगा। यहाँ पे अगर आप EMI को प्री क्लोज कराएंगे तो आपको यहाँ 3% प्लस GST के यहाँ आपको चार्जेस पे करना होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन जो है इसमें ऑफर में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। अगर आप फ्यूल, गोल्ड और ज्वेलरीज के में आप जो है ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये 5% कैशबैक आपको यहाँ एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। आप जो भी कैशबैक आप अर्न करते हैं EMI के ट्रांजेक्शन में तो आफ्टर 60 डेज आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस में आपके लिए आते रहता हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।